हेलो एंड वेलकम टू मैजिक पिक्सल। मैं हूँ कल्पेश और मैं आज आप लोगों को लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ। लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। जब से मैंने एरिक पेयर फोटोग्राफी देखी है तब से मैं लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अभी तक मुझे 1 साल हो गया है लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करते करते। अब तक मैं बहुत अच्छे से लाइट पेंटिंग कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि लाइट पेंटिंग कैसे करते हैं उसका भी ट्यूटोरियल मैं आपको बता दूँ। ओवरऑल फोटोग्राफी में, लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी में हम लोग बहुत कुछ क्रिएटिव और बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज हम लोग क्लिक कर सकते हैं और लाइट की पेंटिंग जो आती है वो देखने में भी बहुत मस्त लगती है। दोस्तों, आपको सबसे पहले लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी क्या है वो समझना होगा और उसके बाद ही आप लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्टील वूल वाले वीडियो में देखा है, वैसे ही ट्यूब लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी, ये भी एक लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का ही टाइप है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सिमिलर टेक्निक हम लोग यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करने के लिए आप कैमरा या मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको लगेगा ट्राइपॉड। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो कोई भी चीज़ के ऊपर आप कैमरा रख के आप फोटो क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैनन 90D और 18-135 जो स्टैंडर्ड जूम लेंस है वो यूज़ करता हूँ लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करने के लिए, और मेरे पास सिंपेक्स का ट्राइपॉड है वो मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको लगेगी फ्लैश लाइट, जिसकी पावर मिनिमम 1000 लुमेंस होनी चाहिए और जिसकी इंटेंसिटी आप कम या कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरे पास ये नाइट कोर की फ्लैश है जो मैंने ऑनलाइन परचेस की है। इसमें मैं इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ और इसमें एक स्ट्रोब मोड भी है जिससे ब्लिंक वाले इफेक्ट आप ट्यूब्स में डाल सकते हो। और दूसरी मेरे पास ये सस्ता वाली फ्लैश लाइट है, लेकिन इसकी जो पावर है वो बहुत कम है, तो इससे इतने खास इतने अच्छे फोटो मैं क्लिक नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने ये ज़्यादा पावर वाली फ्लैश लाइट परचेस की है। आपको भी ऐसे ही 1000 लुमेंस पावर की ही फ्लैश लाइट खरीदनी है ताकि आपके फ़ोटो बहुत अच्छे और बढ़िया आ सके। इसके बाद आती है ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या आप खुद भी बना सकते हो। ऑनलाइन इसका कॉस्ट बहुत आपको ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप एक्रेलिक ट्यूब्स कोई भी हार्डवेयर शॉप से परचेस करते हो और उसमें अगर आप कलरफुल जेल लगाते हो तो वो आपके लिए आसान होगा। रेडीमेड ट्यूब जो आती है वो बहुत महंगी होती है, तो अगर आपका बजट कम है तो आप खुद बना के ट्यूबलाइट पेंटिंग भी कर सकते हो। दोस्तों, ये ट्यूब जो है मैंने, ये एक्रेलिक ट्यूब है और उसमें मैंने कलर जेल लगा के अंदर इसके डाल दिया है और इससे बहुत अच्छे से लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी मैं करता हूँ। दोस्तों, ये जो ट्यूब है ये मैंने ऑनलाइन परचेस की है और ये इसका अगर ऑनलाइन आप परचेस करते हो तो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन कलर्स आपको मिलेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत महंगी है, इसलिए मैंने अभी तक एक ही परचेस की है, तो इससे भी बहुत बढ़िया फोटोग्राफी आप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको ट्यूब को एक अलग तरीके से पकड़ना होगा, नहीं तो आपका सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ये जो है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है और यहाँ से ही आपको ट्यूब को घुमाना है और बिल्कुल भी आपको घुमाते वक्त बिल्कुल भी ऊपर या नीचे आपका हाथ नहीं जाना चाहिए, उससे आपका सर्कल अच्छा नहीं दिखेगा। या एक हाथ से भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे
ऐसे आपको बिल्कुल भी सर्कल ड्रॉ नहीं करना है या ऐसे आप घुमा नहीं सकते। आपको एक परफेक्ट एंगल से ट्यूब को पकड़ के ही, अगर आपको एक हाथ से नहीं जम रहा है तो आप दो हाथ से ऐसे पकड़ के आप ऐसे ट्यूब को घुमा सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लोकेशन पे जाने से पहले आपको पेंटिंग डिसाइड करनी होगी। लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करने के लिए आपको ब्लैक कलर के कपड़े पहनने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहन रखे हैं। उससे क्या होता है कि फोटो में आने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई ह्यूमन है तो ज़्यादा शटर स्पीड नहीं रख सकते, क्योंकि सब्जेक्ट हिल सकता है और उससे फोटो शेकी आ सकता है। तो आपको शटर से 5 to 10 seconds ही रखनी है। जो भी सब्जेक्ट होगा उसे ज़रा भी नहीं हिलना है। जब तक फोटो क्लिक नहीं हो जाता उसे बिल्कुल स्टेडी रहना है। आप देख सकते हो कि जो शेकी फोटो है, ब्लरी फोटो है, वो देखने में ज़रा भी अच्छे नहीं लगते हैं। लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी करने के लिए आपको मैनुअल फोकस ही यूज़ करना है। और एक बार आपने मैनुअल फोकस सेट कर लिया तो उसके बाद उस जगह पे मार्क करके रखना है। उसके बाद आप जितने चाहे फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपके फ़ोटो में लाइट कम आ रही है तो आप टॉर्च की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो और ट्यूब की रोटेशन है वो आप स्लो कर सकते हो, जिससे सेंसर को लाइट मिलेगी और आपका एक परफेक्ट फोटो क्लिक होगा। और आप अपर्चर और आईएसओ में चेंजेस करके एक परफेक्ट फोटो क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे ट्रायल करने के बाद ही आपको कुछ परफेक्ट फोटोज मिलेंगे, क्योंकि ये इजी तो बहुत है लेकिन आपको जो पेंटिंग करनी है, जो ट्यूब्स आप यूज़ करोगे उससे जो ड्राइंग आप करोगे उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। उसके बाद ही ये लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी आपको आसान होगी। गोल्डन हार इज बेस्ट टाइम टू डू लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी, क्योंकि इसी टाइम पे आपको एक अच्छा सा सिल्वेट मिलता है और आपकी पेंटिंग के साथ अगर सिल्वेट ऐड हो जाता है तो फोटो और भी अच्छा लगता है। अगर आपको पेंटिंग में स्टार्स इंक्लूड करने हैं तो कोई भी ऊंची जगह पे आप ट्यूब रोटेट करो, जो भी आपको ड्राइंग करनी है वो करो, और जो ट्राइपॉड है वो आपको लोअर एंगल से आपको फोटो क्लिक करना है ताकि स्टार्स फोटो में आ जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।